निम्रत नहीं नहीं रिया मामा रिया शुक्र है तू आ गई कितने कितने लोगों के साथ मैं आपके लिए पढ़ी थी ये हॉस्पिटल लेके जा रहे था मेरे साथ कोई आ गए तू अब क्या करोगे अरे रिया तेरे पापा की हालत बहुत खराब है हाँ पहली बात तो ये कि अगर इसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए ना तो कुछ भी हो सकता है पर दूसरी बात सुनिए बेटा कि तेरे पापा के हाथ से गुनाह हुआ इसके लिए पुलिस इसकी तलाश करे और वो कभी भी यहाँ पहुंच सकती है हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले बचा नहीं पाएंगे पर बेटा इसको हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है अगर हॉस्पिटल नहीं लेके गए तो कुछ भी हो जाएगा हम सबसे पहले ये बेहतर ये होगा हॉस्पिटल लेके जिससे इलाज शुरू करें और बाद में खाने खा रहे जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे पर सबसे पहले हॉस्पिटल बेटा ये हमारे तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो रहना तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा कम से कम उसका इलाज तो होगा छोड़ सबसे पहले जान बचाइए जी बाकी बातें बाद में डॉक्टर साहब राणा यहाँ पे गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मैंने जो जहर वहर खाया था मैंने कसम दी थी अपनी बीवी और बच्चे को कि बताना मत किसी और को, तो वो मेरी कसम के लिए वो बता नहीं रहे मेरे परिवार वालों को। और जो मान भाई साहब अभी जो मुझे घबराहट और स्ट्रेस की वजह से मैं मेरी बॉडी कोलैप्स कर जाती है, तो क्योंकि अभी बहुत बड़ा लड़ाई हुई हमारी विलन पार्टी से और मेरे साथ बंदूक से कत्ल हो गया, तो वो ट्रॉमा मेरे और स्ट्रेस की वजह से मेरी बॉडी एकदम लूज़ कर जाती है। और ये बात मान को पता नहीं है, वो इलाज कर रहा है लेकिन मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है क्योंकि मेरी बीवी और मेरे बच्चे ने ये बात छुपाई है कि ऑलरेडी इसका किसी बात को लेके इलाज चल रहा था, तो उस वजह से ये सब क्योस मचा हुआ और किसी को कुछ समझ में आ रहा कि करें क्या, होश नहीं आता है मुझे, सिर्फ मेरी आंखें खुलती हैं और मैं कुछ देखता हूं जिसमें मुझे सिर्फ इतना नज़र आता है कि मुझे पुलिस के हवाले मेरा भाई कर रहा है, तो इससे आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। बीवी जो है और बेटी जो है वो अपनी जगह सही है, और क्योंकि उसने मेरी बीवी ने और मेरी बेटी ने देखा था कि मेरे डैडी जी का इलाज, तो उन्होंने फ़ोन पे उनको बताया था ये करो कर दिया था। जब इतना बड़ा हार्ट अटैक हुआ और उसने फ़ोन के ज़रिए मेरे पिताजी को ठीक कर दिया, मेरे डैडी जी को ठीक कर दिया, तो ये तो बंदा सामने है और उसको उनके हिसाब से तो मैं सिर्फ बेहोश हुआ हूँ, तो मेरा इलाज यहाँ क्यों नहीं हो सकता था। इसलिए वो मानने को तैयार ही नहीं कि मान इस वक्त भी सच बोल रहा है।